अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शमशोक कमर और आप देख रहे हैं अजमली इंटरनेशनल। हमेशा की तरह गल्फ जॉब के अकॉर्डिंग, गल्फ के न्यूज के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के सामने नई नई वैकेंसी एंड अपडेट लाता रहता हूँ। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए एक वैकेंसी। जो वैकेंसी है वो सऊदी अरबिया की मशहूर कंपनी, नामचीन कंपनी में से जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है सऊदी बिन लादेन ग्रुप का। जी हाँ, सऊदी बिन लादेन ग्रुप का बहुत ही टाइम से इंटरव्यू चल रहा है, जो कि एक और इंटरव्यू आ चुका है 23 तारीख का, यानी कि 23 मई को। जो कैटेगरी है वो बताने से पहले बता दूं, जिन भाइयों ने हमारा चैनल अजमल इंटरनेशनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। और एक और बात बता दूँ कि जिन भाइयों को ये जानकारी चाहिए कि बिहार की कौन से ऐसी टॉप 5 एजेंसियां हैं, टॉप मतलब बड़े से बड़ी एजेंसियां हैं जो तो छोटे मोटे सर्विस चार्ज के साथ आपको बाहर भेज सके। इसमें कोई भी एजेंट के उसमें बीच में क्या बोलते हैं, जो एजेंट वगैरह बीच में घुस के पैसे आपको ज़्यादा डबल चार्ज करते हैं, उनका वो लफड़ा उसमें ना रहे, कोई भी उनका किरदार उसमें नहीं रहेगा। उसके लिए मैंने वीडियो बना कर रखा है, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। टॉप 5 एजेंसी इन बिहार, सिर्फ और सिर्फ 5 एजेंसियां हैं, उनके बाद कोई एजेंसी नहीं है लाइसेंसी प्रॉपर अप्रूवल। बड़ी से बड़ी एजेंसियां हैं जिनको आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर कीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो बिन लादेन का इंटरव्यू होने वाला है, ओनली मुस्लिम चाहिए। मक्का प्रोजेक्ट का ये काम है, मक्का प्रोजेक्ट का काम है ये, याद रखिएगा। फिर सुनिए, मक्का प्रोजेक्ट हरम शरीफ का यह काम है। यहाँ तक कि इसमें क्लाइंट इंटरव्यू होगा फेस टू फेस, ओनली मुस्लिम कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। फ्रेशर एंड रिटर्न दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। जो कैटेगरी है सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी है, इलेक्ट्रीशियन की। सैलरी होगी 1300 से लेकर 1700 प्लस 300 फुट के लिए। फ्रेशर लड़के हो या फिर रिटर्न लड़के हो गल्फ के, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको जानकारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिन लादेन कंपनी काम जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी कंपनी। जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूँ, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनियों में से एक कंपनी है सऊदी बिन लादेन ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप हैं, ये मक्का प्रोजेक्ट का ये काम। एज लिमिट जो है 22 साल से लेकर 38 साल तक चाहिए। स्टार्टिंग एज 22 साल होना चाहिए और लास्ट जो है आपका 38 साल होना चाहिए। ड्यूटी आवर्स आपका 8 घंटे का होगा, प्लस ओवर टाइम वगैरह होता रहेगा। वो ओवर टाइम ज़्यादातर कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई भी एजेंसी वाला या फिर एजेंट आपको वादा करे कि आपको ओवर टाइम फिक्स डेली मिलेगा, तो ये सरासर झूठ है। हमेशा वो कंपनी ही डिसाइड करती है कि आपको ओवर टाइम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा काम रहेगा तभी ओवर टाइम मिलेगा। अभी हर एक आदमी का फिक्स नहीं रहेगा, कभी आपको रहेगा, कभी आपके दोस्त को रहेगा, उसके दोस्त को रहेगा, ऐसे करके ओवर टाइम मिलता रहता है, ठीक है। जिस भी ऑफिस का काम है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज मिल जाएगा। आपको जाके उन्हीं से कॉन्टेक्ट करना रहेगा। कॉलिंग करने का टाइम सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। कॉलिंग करके आप आगे की जानकारी उन्हीं से ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको वीज़ा अगर आपको चेक करवाना है, बहुत ही लोगों का ये डाउट होता है कि हमारा वीज़ा आया हुआ है, ये वीज़ा ओरिजिनल है या फिर फेक है, तो उसकी हम जानकारी देते हैं। वीज़ा आपका ओरिजिनल है या फिर फेक, उसके बारे में हम बताते हैं। हमारी एक प्रोफेशनल की टीम है जो आपको वो फॉलो करती है, वो हर एक वीज़ा को उसके बारे में ट्रैक करके आपको बताएगी आपका वीज़ा रियल है या फिर फेक। अगर आपका रियल भी है तो कौन से ट्रेड का अगर आपका वीज़ा है, कौन से काम का आपका वीज़ा है, इसके बारे में भी जानकारी देती है हम। यहाँ तक कि छोटा सा आपका अमाउंट आपको पे करना होगा, आपको अमाउंट पे ही करना होगा तभी आपको उसकी जानकारी मिल पाएगी। यहाँ तक कि ऑफर लेटर भी हम उसको चेक करके बताते हैं, इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। छोटा सा पेमेंट है, बड़ा पेमेंट नहीं, छोटा मोटा सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ऑफर लेटर भी आपका रियल या फिर फेक, उसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।